जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ सहारा निवेशक जितने भी हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है। तो भाई आप लोग को पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे और आपका भुगतान शुरू हो गया है। क्या है, कैसे है, कितना मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हुए दिखाते, देखिए 45 दिन में वापस आ जाएगा सहारा निवेशकों का पूरा पैसा। इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत। तो क्या है भाई, आपको बहुत जरूरी है सब जानना कि आपको पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन शुरू हो गया है। उसके बाद चलते हैं आगे दिखाते हैं। देखिए अमित शाह की ओर से मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी मदद से निवेशक आसानी से अपना पैसा रिफंड कर सकते हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं पैसा रिफंड के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके जरिए करोड़ों निवेशक अपना पैसा वापस कर सकेंगे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सहारा निवेशकों को यह पैसा वापस मिल रहा है। आइए जानते हैं कि निवेशकों को रिफंड के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद उससे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद देखिए पहला है सदस्यता संख्या, उसके बाद जमा खाता संख्या यानी जो भी आपका बॉन्ड पेपर है उसका खाता संख्या चाहिए आपको। उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य होना चाहिए यानी अपडेट होना चाहिए। नहीं हुआ तो करवा लें भाई, बहुत जल्द करवा लें। उसके बाद जमा प्रमाण पत्र पासबुक, जिस पासबुक पे आप जमा कर रहे थे वो पासबुक चाहिए, इसमें आ रहा है। तो भाई इतना आपको तैयार रखना है। उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगती है उसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड दिया हुआ है, यदि दावा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो तो आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा यदि 50,000 से ऊपर है आपका। तो भाई इतना चीज़ें आपको बनवा लेना है बहुत ही जल्द, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल चालू हो गया है। सभी लोग जो है अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो भाई आप लोग चूकिएगा मत। आप लोग जो है डॉक्यूमेंट तैयार करके जो भी है आपको ऑनलाइन कर लेना है। उसके बाद देखिए सहारा पोर्टल से रिफंड पाने का तरीका क्या है, तो मैं आपको आगे चलता हूँ दिखाता हूँ। तो फिलहाल देखिए 45 दिन में पैसा होगा वापस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेशकों के अप्लाई करने के बाद 45 दिन में यह पैसा वापस हो जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में उन लोगों का पैसा लौटाया जा रहा है जिनके निवेश की राशि 10,000 रुपये है। साथ ही बड़े निवेशकों के कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10,000 रुपये तक लौटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5,000 करोड़ रुपये वापस होने के बाद फिर से लोगों का पैसा लौटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की मदद लेंगे। तो दोस्तों इसमें साफ साफ बता दिया गया है, जो आपका पैसा है ऑनलाइन करने के बाद जो आपका पैसा है वो 45 दिन के अंदर जो है वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका पैसा भी मिल सकता है यानी मिल जाएगा। उसके बाद कितना मिलेगा, 10,000। जी हाँ दोस्तों, 10,000 आपको केवल मिलेगा, भले ही आपका 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी जितना भी है इसमें जो भी आ रहा है। ये जानकारी हमें इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं अपने आप से बता रहा हूँ। तो भाई 10,000 से ऊपर आपको इसमें लिख रहा है नहीं मिलेगा, यानी कि 10,000 मिलेगा। उसके बाद भाई 10,000 सभी को मिलने के बाद इसमें फिर से बताया जा रहा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट से फिर से मदद लेंगे, यानी जिनका भी बकाया रह जाता है इसके लिए फिर से होगी, जो इस वक्त हो रही है उसी तरह से फिर होगी, फिर से लोगों का भुगतान होगा। भाई ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके लोगों का भुगतान होगा, जैसे जैसे इसका भुगतान भाई लोगों का जो पैसा है वो बहुत जल्द से जल्द सभी का मिल जाएगा जितना भी है। यानी कि 5,000 करोड़ है तो 5,000 करोड़ निवेशकों का भुगतान होने के बाद जितने भी निवेशकों का पैसा बचता है वो सभी का धीरे धीरे फिर से जो है होने लगेगा, ऐसा इसमें आ रहा है। तो भाई जो भी है मैंने आपको बता दिया है, और चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं तब तक, नमस्कार, जय हिंद।